सिद्धार्थ मल्होत्रा जिन्हें आप लोग बखूबी जानते होंगे और इनके जो मूवीज होते हैं वो एक से बढ़कर एक होते हैं। इनके सारे मूवीज में इमोशन भरे पड़े होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिद्धार्थ मल्होत्रा के लगभग सारे मूवीज बताऊंगा जिनमें आपको लव स्टोरी देखने को मिल जाएगा, थोड़ा बहुत बढ़िया सा एक्शन देखने को मिल जाएगा, कॉमेडी तो देखने को मिल जाएगा ही, और साथ ही साथ इमोशनल ड्रामा देखने को मिल जाएगा जो आपको रुला देगा। और लगभग सारे मूवीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर कोई मूवी आपको ना मिले डिस्क्रिप्शन में तो आखिर तक देखो, मैं बता दूंगा करना क्या है। तो अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन हो तो वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। लेट्स स्टार्ट। ये तुम्हारे ही कर्म है जो तुम्हें यहां तक ले आए हैं, और तुम्हारे वही कर्म तुम्हें फिर मौत के करीब ले जा रहे हैं। नंबर 11 पे आता है हसी तो फसी। 2014 में रिलीज हुई एक प्योर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ परिणीति चोपड़ा और आधा शर्मा जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो अपना इस मूवी का हीरो निखिल जो कि एक स्ट्रगलिंग बिजनेसमैन होता है और वो सोचता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि करिश्मा के साथ प्यार में है और वो उससे शादी करना भी चाहता है। पर आगे धीरे धीरे जब उसे पता चलता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि करिश्मा के साथ नहीं करिश्मा के बहन के साथ प्यार में है, कैसे क्या हुआ होता है और आगे क्या क्या होता है और ये कैसे लव स्टोरी और कॉमेडी क्रिएट करता है आप मूवी में देख लेना। 6.8 आउट ऑफ 10 आईएमडीबी से और 81% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो इस मूवी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नंबर 10 जबरिया जोड़ी। 2019 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ परिणीति चोपड़ा जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो अपना इस मूवी का हीरो जो कि एक टाइप का तो ठग होता है पर उसके भी कुछ उसूल होते हैं। वो तो सब ठीक है, उसका काम ये है कि दहेज मांगने वाले दूल्हे को शादी से किडनैप करना, वो सब तो ठीक है। पर आगे जब हीरो का बचपन का प्यार बबली उसके लाइफ में फिर से वापस आती है वो कैसे, ये भी आप मूवी में देख लेना। आगे क्या क्या होता है आप मूवी में देख लेना। बहुत ही कमाल का मूवी है, ऐसा तो नहीं बोलूंगा पर वन टाइम वाचिंग रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसे आप एक बार देख के एंजॉय कर सकते हो। 4 out of 10 IMDb से मिला है और 78% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो इस मूवी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा। नंबर 9 ए जेंटलमैन। 2017 में रिलीज हुई एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ जैकलिन फर्नांडीज और दर्शन कुमार जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस मूवी स्टोरी की तो अपना इस मूवी का हीरो गौरव जो कि यूएसए में अपने लाइफ अच्छे से जी रहा होता है, अच्छा खासा डे टू डे जॉब करके अच्छे से जी रहा होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करके सेटल होने की सोच रहा होता है। पर मूवी में और उसके लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न तब आते हैं जब वो मुंबई आता है और मुंबई में उसके साथ क्या क्या होता है ये आप इस मूवी में देख लेना। कमाल का मूवी है, एंटरटेनिंग मूवी है, आपको ये मूवी पसंद आएगा। वन टाइम वॉचिंग मूवी है, एक बार देख के एंजॉय कर सकते हो। 6.2 out of 10 IMDb से और 78% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 8 कपूर एंड सन्स। 2016 में रिलीज हुई एक प्योर रोमांटिक ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ आलिया भट्ट और ऋषि कपूर जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो दो भाई अर्जुन और राहुल घर वापस आते हैं क्योंकि उनके दादाजी बीमार होते हैं। वो वहां पे कैसे फैमिली ड्रामा में फंस जाते हैं, इमोशनल ड्रामा में फंस जाते हैं, सब कुछ तो ऐसे ही वैसे ही सही चल रहा होता है तब तक जब तक वो दोनों एक ही लड़की के पीछे एक दूसरे से झगड़ ना लेते। क्यों झगड़ते हैं, क्या हुआ होता है, दोनों को क्या प्यार होता है या और कुछ होता है, ये सब आप इस मूवी में देख लेना। एंटरटेनिंग मूवी है, 7.7 out of 10 IMDb से और 79% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 7 बार बार देखो। 2016 में रिलीज हुई एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ कैटरीना कैफ, नित्या मेनन जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो अपना इस मूवी का हीरो जय वर्मा जो कि एक मैथ जीनियस होता है और उसे एक बार एक टाइप का पावर मिल जाता है कह सकते हो, वो टाइम ट्रैवल कर सकता है पर उसका इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसकी वजह से वो कैसे आगे जाके रियलाइज करता है कि प्यार, रिलेशन, लाइफ का वैल्यू क्या है, और जब ये वो समझ जाता है वो पास्ट में आके चीजों को कैसे ठीक करता है ये आप इस मूवी में देख लेना। अच्छा मूवी है, एंटरटेनिंग मूवी है, 5.4 out of 10 IMDb से मिला है, 65% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तुम्हारे ही कर्म है जो तुम्हें यहाँ तक ले आए हैं, और तुम्हारे वही कर्म तुम्हें फिर मौत के करीब ले जा रहे हैं।
नंबर सिक्स थैंक गॉड 2022 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फैंटासी ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ नोरा फतेही और अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो अपना इस मूवी का हीरो जो कि एक रियल एस्टेट ब्रोकर होता है और थोड़ा इगोइस्टिक होता है, पर एक बार एक एक्सीडेंट के बाद वो जाके सीधा ईएम के दरबार में पहुंचता है और आगे कैसे वो ना चाहते हुए भी उसे एक गेम खेलना पड़ता है, जीवन मृत्यु का गेम। उस गेम में क्या होता है और आगे वो क्या सीखता है और उसके साथ आगे क्या क्या होता है। अच्छा मूवी है, एंटरटेनिंग मूवी है, हाईली रेकमेंड करूंगा। इस मूवी को देखो। 5.6 आउट ऑफ 10 आईएमडीबी और 77% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। ये मूवी अमेजन प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है और इस मूवी का लिंक भी आपको देने की कोशिश करूंगा। नंबर 5 मर जावा 2019 में रिलीज हुई कमाल का प्योर रोमांटिक एक्शन ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ तारा सुतारिया जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो अपना इस मूवी का हीरो जो कि एक गैंगस्टर होता है, गैंगस्टर रघु, वो वहाँ के लोकल डन नारायण अन्ना के नीचे काम कर रहा होता है और उनका फेवरेट होता है, और नारायण का बेटा विष्णु जो कि रघु से जलता है। उन दोनों का राइवलरी तो चलता ही रहता है, पर आगे जब हीरो को एक लड़की से प्यार होता है और आगे उसके साथ क्या क्या होता है, भाई मूवी देखो, हाईली रिकमेंड करूंगा। ये मूवी खत्म होते होते आपको रोना आ जाएगा। एंडिंग शायद पसंद ना आए पर मूवी देखो पसंद आएगा। अमेजन प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। 3.6 आउट ऑफ 10 आईएमडीबी और 81% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 4 स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2012 में रिलीज हुई ये कमाल का रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट, वरुण धवन जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो एक अमीर लड़का, एक गरीब लड़का, दोनों धीरे धीरे दोस्त बनते हैं और अमीर लड़का की गर्लफ्रेंड गरीब लड़के से प्यार करने लगती है। इसकी वजह से फिर से दोनों में झगड़े हो जाते हैं। और बाकी स्टूडेंट ऑफ द ईयर का कॉन्सेप्ट तो है ही, उसके पीछे मूवी आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करेगा। रिलेटेबल नहीं है पर एंटरटेनिंग है, हाईली रिकमेंड करूंगा। इस मूवी को देखो। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगा। बाकी 5.2 आउट ऑफ 10 आईएमडीबी और 67% गूगल यूजर लाइक के साथ इस मूवी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नंबर 3 पे आता है मिशन मजनू 2023 में रिलीज हुई एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर मूवी है। स्टार कास्ट में आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ रश्मिका मंदाना जैसे और भी कई भी एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो ये मूवी का स्टोरी 1970s में बेस्ड है। कैसे पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पे काम कर रहा होता है और हीरो को काम मिलता है कि वो पाकिस्तान जाके वहाँ पे रह के ये सब के बारे में पता लगा के इंडिया को इन्फॉर्मेशन दे और पाकिस्तान को एक्सपोज करे और इंडिया को बचाए। और हीरो वहाँ पे जाके रहता है, रिसर्च करता है, सब कुछ तो ठीक है, कैसे आगे वहाँ पे उसे प्यार होता है और आगे क्या क्या होता है। रेकमेंड तो हाईली करूंगा इस मूवी को, देखो बहुत ही कमाल का मूवी है, मिस मत करना। नेटफ्लिक्स पे आपको मिल जाएगा। बाकी 7.3 आउट ऑफ 10 आईएमडीबी से और 83% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 2 एक विलन 2014 में रिलीज हुई एक रोमांटिक थ्रिलर एक्शन ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो अपना इस मूवी का हीरो गुरु जो कि एक गैंगस्टर होता है, एक बुरा गैंगस्टर, और आगे जब वो प्यार में पड़ता है तो वो बदलना शुरू करता है और बदल भी जाता है। पर जब हीरोइन प्रेग्नेंट होती है, कोया की हीरोइन का मर्डर करके चला जाता है, और आगे जब अपना गुरु इस बात का रिवेंज लेना शुरू करता है, पता लगाना शुरू करता है, भाई दुनिया में आग लगा देता है। इस तरह का रिवेंजफुल स्टोरी है ये। हाईली रिकमेंड करता हूँ। अगर आप इस मूवी को नहीं देखा है अब तक आपने तो क्या कर रहे हो यार, जाओ देखो। ये मूवी आपको MX प्लेयर पर फ्री में देखने को मिल जाएगा। बाकी 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb से मिला है। 74% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया। इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाओ देखो, प्लीज देखो। नंबर 1 पे आता है शेरशाह। ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी है और इसीलिए नंबर 1 पे है। 2021 में आई ये एक बायोग्राफिकल रोमांटिक एक्शन ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ कियारा आडवाणी, मनमीत कौर जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो जबकि ये मूवी एक बायोग्राफिकल मूवी है, तो विक्रम बत्रा जिनके लाइफ के ऊपर ये मूवी बेस्ड है, वो कैसे सोल्जर बनना चाहते हैं, इसके लिए मेहनत करते हैं, सोल्जर बन जाते हैं, बाकी उनका लव लाइफ, डिंपल, इन सबको कम्बो करके इस मूवी में जो तड़का दिखाया गया है ना, हाईली रिकमेंड करूंगा। आज बायोग्राफिकल मूवी ये मूवी बेस्ट है, आज वॉर ड्रामा एक्शन मूवी ये मूवी बेस्ट है, और आज लव स्टोरी मूवी ये मूवी आखिरी में आपको रुला देगा। तो हाईली 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 रिकमेंड करता हूँ इस मूवी को देखो। अमेजन प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। बाकी 8.4 आउट ऑफ 10 IMDb से मिला है। 93% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। इस मूवी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज इस मूवी को देख लो, प्लीज देख लो। बाकी कोई भी मूवी का लिंक आपको
डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो बस यूट्यूब पे जाके सर्च करो भाई ये वाला मूवी कैसे डाउनलोड करना है, तो आपको मिल जाएगा यार। तो आपके फेवरेट हीरो का नाम बताओ, उनके ऊपर वीडियो आ जाएगा। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कुछ अच्छा सा कॉमेंट कर देना, और भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना यार प्लीज। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो लेफ्ट वाला देख लो, नहीं तो राइट वाला देख लो।